बाड़मेर जिले में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिनों दिन चोरी की वारदातें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला धोरीमना थाना क्षेत्र के खरड़ गांव में सामने आया, जहां बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाते हुए ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण व नकदी को पार कर लिया। जानकारी के अनुसार खरड़ गांव निवासी रावताराम परिवार के सदस्यों के साथ हरिद्वार गए हुए थे और रावताराम की पत्नी व बच्चे घर पर ही थे। रात को करीब 3 बजे के आसपास महिला को चोर के घर में प्रवेश करने की भनक लगी तो महिला ने पड़ोसियों को फोन कर सूचना दी। तब तक बदमाश घर में हाथ साफ कर चुका था। देखते ही देखते चोर मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। रात को? हाँ, रात का 3 बजे। हाँ, 3 बजे चोरी हुई हमारे। तो बड़े पूरा हो गया जो पूरा ले गयो, कहीं नहीं छोड़ो। रिपिया गहनो भी जो बिस्ना भी ना कोड़ो भी ला गया, कोई अडाणो हडाणो हो पूरा ले गया। कहीं नहीं छोड़े वस्तु, कहीं नहीं बड़वा तग दरअर ले गया। कहीं चीज कोई चीज भी छोड़ी को लार मार। रात के 3 बजे ऊपर होती कमरे ऊपर तो बस आयो, बस उन्होंने हेंगन फोन किया, जड़ भी आया जड़ बहुत निकल गयो, निकलते देखियो। मैं चोर ने मकान का ताला तोड़कर मकान के अंदर पेटी में रखे सोने चांदी के आभूषण नकदी सहित जरूरी कागजात लेकर मकान की खिड़की से फरार हो गया। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच मौका मुआयना कर पद चिन्हों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।